हेलो दोस्तों, ये मेरा हाथ में वीवो S1 मोबाइल है, जो इसका CPS है 1907। तो इसमें जो है पैटर्न लग लगा हुआ है। तो आज का इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आपके पास अगर वीवो S1 मोबाइल है तो आपको अगर पैटर्न लग लग चुका है तो टूल का मदद से कैसे आप अनलॉक कर सकते हैं इजीली। तो टूल जो है फ्री में है, तो कैसे आपको टूल को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, चलिए मैं इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस तरफ ये टूल को जो है आपको ओपन कर लेना है टूल को। अब टूल ओपन करने के बाद मैं एक साइड में डिवाइस मैनेजर ओपन करता हूँ और यहाँ पे जो मॉडल है वीवो में आता हूँ और ये मेरा जो मॉडल है वीवो S1 है। तो S1 पे यहाँ पे मैं मॉडल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जो फैक्ट्री रीसेट लगा दिखा है यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट कर देना है और स्टार्ट करने के बाद आपको ये मैंने चार्जिंग में लगाया था तो फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है। स्विच ऑफ करने के बाद वॉल्यूम अप डाउन दबा के आपको USB केबल लगा देना है, इंसर्ट करना है, मतलब वॉल्यूम अप डाउन लगा के आपको USB केबल इंसर्ट कर लेना है। तो आपको तुरंत जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो USB केबल लगाएंगे तो आपका जो है फ़ोन का पिन, पैटर्न, पासवर्ड सारा अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल डन बोल के आ चुका है टूल का मदद से इजीली। तो अभी इस फ़ोन में थोड़ा चार्जिंग कम है, चार्जिंग लगा देता हूँ। चार्जिंग लगाने के बाद और फ़ोन को ऑन करता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मतलब एक सेकंड भी नहीं लगता इस टूल में मदद से आपका जो भी है पिन, पैटर्न, पासवर्ड सारा इसमें रिमूव हो जाता है। FRP भी साथ में रिसेट होता है, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये टूल में जो है FRP अभी नहीं, इसमें जो है पैटर्न, पिन, FRP सारा चीज़ इसमें कर सकते हैं। ये वाला टूल आपका अगर MTK CPU होगा तो भी इस टूल में वर्क करेगा। तो चलिए, ये इसका जो है पैटर्न लॉक हट चुका है तो फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने में थोड़ा इसमें टाइम लगता है तो आप देखते हैं आगे, मतलब इसमें जो है पिन, पैटर्न, पासवर्ड जो भी है इसमें हट चुका है। अभी फ़ोन ऑन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस फ़ोन में जो है चार्जिंग नहीं था इसलिए मैंने चार्जिंग लगाया हूँ।